नीतीश कुमार कमीशन को कम से कम बढ़ावा मत दीजिए। नीतीश कुमार जी, बीपीएससी के एग्जाम दो शिफ्ट में होने के बाद हजारों की संख्या में पटना में अभ्यर्थी निकल चुके हैं और अभी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगे और बातें कर रहे हैं। सर, मेरा नाम नितिन त्रिपाठी है, मैं यूपी से हूँ जी। यूपी से हूँ, नितिन त्रिपाठी मेरा नाम है। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश से आए जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? सर, कहना यही है कि ये लड़ाई जो है ये एक सिंगल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जो हमारे दिलीप जी इतना संघर्ष कर रहे हैं ये हम ही लोग के लिए कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी अभी भी अपने घर में बैठे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है या आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। अच्छा, हमें महत्वपूर्ण बात समझाइए कि दो शिफ्ट में होने से क्या इसका नुकसान है? सर, नुकसान बहुत नुकसान है हम लोग का। अभी एक शिफ्ट में कराया तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 8 मई को क्या हुआ और अभी 20-22 को एक और मौका दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम ही लोग के नुकसानदेह है। ये आयोग को नहीं समझ में आ रहा है। आयोग को क्या है कि वो खेल रहे हैं बस, अभी हो जाएगा पेपर, उसके बाद फिर अभी कोई नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। मतलब आयोग दो शिफ्ट में करने से आप लोगों को डर है कहीं सेटिंग कटिंग में? जी सर, सबसे पहला डर यही है। और उसके बाद जो अभी हम लोग भोग चुके हैं 6 लाख संख्या जो हम लोग एग्जाम दिए हैं उससे हम लोग जो भोग चुके हैं कि कैंसिल हुआ फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए, वो सिस्टम ये फिर लागू हो जाएगा। ये हम लोग के लिए बहुत नुकसानदेह और ये हमारे चेयरमैन साहब को समझना चाहिए। हम लोग पागल नहीं है कि यहाँ 10 राउंड मैच हम लोग पढ़ने का टाइम है। हम लोग 2-3 साल से पढ़ने का इंतजाम लोग कर रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? यूपी में? लखनऊ में। जी सर, नहीं सर, मैं लखनऊ में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए आया। अच्छा, यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं? जी सर, बिल्कुल भरता हूँ मैं। और यहाँ में क्या अंतर है बीपीएससी? सर, अंतर तो बहुत है क्योंकि सर देखिए, अब पिछले सरकारों में क्या होता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपी में बहुत सुधार हुआ है। जी सर, यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों और बातों को लेकर बढ़ रहे हैं। अब यह भिखना पहाड़ी जाएंगे। क्या नाम हुआ? सोनू। क्या कुछ कहिएगा? कहेंगे कि बीपीएससी अपने मनमानी पे उतर गया है। जिसको जो टाइम हमको दिया गया था, पहली बात उन्होंने कहा परसेंटाइज को लागू नहीं करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज हम लोग से बात करने की बात हो रही थी, उसके बाद भी उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तो गलत। अभी कहाँ निकल रहे हैं ये? अभी हम लोग भिखना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों की भीड़ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जा रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर। क्या कुछ कहिएगा भैया? परसेंटाइज सिस्टम खत्म करें सरकार। बीपीएससी जो एक पाली में एग्जाम में दो शिफ्ट में जो करने की बात कही है वो बहुत गलत की है। तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भिखना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान जाएंगे, वहाँ से आयोग ऑफिस के पास जाएंगे, फिर वहाँ धरना देंगे। दो शिफ्ट में होने से सेटिंग गेटिंग हो जाता है क्या? इसके पहले जो एग्जाम कैंसिल हुई है वो सीट बिकी हुई है, तो आयोग चाह रहे हैं कि उसी में हम फिर इसको फाइनल सेटिंग कर दें। चलिए, यहाँ से ये अभ्यर्थी भिखना पहाड़ी के लिए मुड़ गए हैं और लगातार अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं। क्या जी, दो शिफ्ट और यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये लोग भिखना पहाड़ी की ओर अभ्यर्थी जाते हुए माहौल कह सकते हैं कि गर्म। अरे नमस्ते अभिषेक जी, क्या कुछ कहिएगा? आप कहिए। देखिए, ये बच्चे का भीड़ है, सभी बीपीएससी विद्यार्थी का भीड़ है और ये बीपीएससी विद्यार्थी लगातार इनका मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और केवल परसेंटाइल मेथड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दो शिफ्ट में जो हो रहा है इससे सेटिंग गेटिंग की आशा बढ़ गया है क्या? दो शिफ्ट में होने से सेटिंग गेटिंग बढ़ गया बहुत ज्यादा। एक शिफ्ट में आप सेटिंग नहीं रोक सकते हैं तो दो शिफ्ट में क्या रोकिएगा? चलिए, ये अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि इसमें धांधली की संख्या ज्यादा बढ़ गई है और ये अभ्यर्थी क्या होश में आओ। इसको होश में आना है, एकदम नीतीश कुमार को होश में आना है और जाके बीपीएससी ऑफिस को होश में आना है। ठीक है, नियम जो नियम पहले से तय है वही नियम पे एग्जाम होगा। परसेंटाइल को हटाना है, परसेंटाइल दे करके बहुत गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार। कमीशन को कम से कम बढ़ावा मत दीजिए नीतीश कुमार जी। ये तमाम अभ्यर्थी अभी बढ़ रहे हैं भिखना पहाड़ी की ओर। आप बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।